हेलो एवरीवन, वेलकम टू DMK क्लासेस। होप यू आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मॉक टेस्ट फॉर रीजनिंग पोर्शन। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये टॉपिक किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों की प्रेपरेशन है इस समय SSB एग्ज़ाम्स की, या फिर SSC एग्ज़ाम्स हो गए, RRB या बैंकिंग, कोई से भी एग्ज़ाम जहाँ पे कि रीजनिंग कंपोनेंट आपको पूछा जाएगा, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम कंप्लीट रीजनिंग जो है थ्रू मॉक टेस्ट रिवाइज करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है फॉर वेरियस रीजनिंग टॉपिक्स, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जा करके उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, फिर यहाँ पे मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक वहाँ पे रीजनिंग का अवेलेबल होगा। एंड विद दिस नोट हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एंड टॉपिक शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो विद दिस नोट, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे जो गिवन नंबर्स हैं उनमें से आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, दैट विच नंबर इज़ रिलेटेड इन द सिमिलर मैनर एज पर द गिवन क्वेश्चन। सो गिवन क्वेश्चन में क्या है, 3 and 27 का रिलेशन इस्टेब्लिश है। अगर हम देखें तो 3 × 3 = 6 and 3 cube जो होता है एक्चुअली दैट इज़ 27। सो क्यूब ऑफ 3 is 27। तो 7 का क्यूब अगर हम देखें तो 7 का क्यूब क्या होता है गाइस, सो दैट इज़ 343। तो हैंस ऑप्शन नंबर डी जो है इस केस के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू गॉट इट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर्स। ठीक है, आपको इन गिवन लेटर्स में से जो है रिलेटेड वर्ड को चूज़ करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई करने की कोशिश करें, बिकॉज अगर मैं ही बताती रहूँगी तो आपको पता नहीं चलेगा दैट हाउ मच यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, देन कम टू द सॉल्यूशन बाय माय साइड। ओके, सो यहाँ पे आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। जब भी अल्फ़ाबेट्स हैं तो हमें अल्फ़ाबेट जो है सीरीज़ वो लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। सो इस टॉपिक के लिए आप हमारे जो है अल्फ़ाबेट सीरीज टॉपिक को रेफ़र कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने डिटेल में आपको समझाया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है ट्रिक्स को यूज़ करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है वी नो कि ए की जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में नंबर होता है दैट इज़ फर्स्ट नंबर, डी का नंबर इज़ 4 नंबर, सेम वेज एच का नंबर इज़ 8 एंड एम इज़ ऑन नंबर 13 इन अल्फ़ाबेट सीरीज़। ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक पैटर्न देखें तो 1 से 4 यानी -3 हो रहा है आपका, ठीक है, 4 से 8 तो -4 यहाँ से हो रहा है, एंड 8 से 13 अगर हमें जाना है तो -5 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो -3, -4 and -5। सो लेट्स सी यहाँ पे CFGO में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो C का जो पोजिशनल वैल्यू होता है इन अल्फ़ाबेट सीरीज़ वो होता है 3। ठीक है, F का आपका सीरीज़ में वैल्यू होता है 6। ठीक है, F को हमने वर्ड लर्न किया था फिक्स, जिसका राइमिंग वर्ड था 6। ओके, तो G हमने हॉकी स्टिक से याद किया था, तो इट इज़ हॉकी स्टिक विद अ बॉल दैट इज़ 10 इसका नंबर है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपको ये ट्रिक जो है समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे लेटर सीरीज़ या अल्फ़ाबेट सीरीज़ टॉपिक पे जा करके उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड सेम वेज ओ का जो पोजिशनल वैल्यू होता है दैट इज़ 15, ये हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। सो यहाँ पे अगर हम देखें 3 से 6 बनाना है तो -3 करना पड़ेगा, 6 में से 10 बनाना है तो -4 एंड 10 में से 15 बनाना है तो -5। तो हैं सेम सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एंड जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स है, अब देख लेते हैं इसका सेकंड ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम जेड और डब्ल्यू की बात करें, ठीक है, जेड का पोजिशनल वैल्यू होता है 26, डब्ल्यू का पोजिशनल वैल्यू होता है 23, राइट, एंड एस का वैल्यू क्या होता है, एस का वैल्यू होता है 19
19 से हमने इसको याद किया था, एस की साउंड आती है, देन एन का पर्सनल वैल्यू इज़ 14। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 26 से हमें जाना है 23 की तरफ, ठीक है, तो -3 हो रहा है यहाँ पे, राइट, एंड 23 से आपको 19 पे जाना है तो -4 एंड -5, राइट। तो सेम वेज आपको यही पैटर्न यहाँ पे सर्च करना है दैट कि यहाँ पे कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट सीरीज़ है जहाँ पे -3, -4 एंड -5 का सीक्वेंस जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स चेक फॉर इट, वाई, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वाई का पोजिशनल वैल्यू क्या होता है गाइस, दैट इज़ 25, ठीक है, वी का पोजिशनल वैल्यू इज़ 22, राइट, एंड आर का पोजिशनल वैल्यू क्या होता है 18, यानी 18 से हमने इसको याद किया था, एंड एम का पोजिशनल वैल्यू इज़ 13, ठीक है, मिडल ऑफ द सीरीज, ओके। तो 25 से 22 यानी -3, 22 से 18 -4 एंड 18 से 13 इज -5, तो हैंस ऑप्शन नंबर ए ही जो है इस केस के लिए करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे हमारा सीक्वेंस जो है वो डायरेक्टली आपको समझ आ रहा है जैसा कि आपको आपके रिलेशन में दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपने इन तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको हार्डली नॉट मोर देन अ मिनट यहाँ पे लगा होगा, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, यहाँ पे रिलेटेड वर्ड या नंबर जो है आपको सेलेक्ट करना है गिवन ऑल्टरनेटिव्स के लिए जो कि सिमिलर रिलेशन आपको शो कर रहा है, ओके। नाउ यहाँ पे फर्स्ट नंबर्स हैं 7 का 32 के साथ रिलेशन और आपको 35 का रिलेशन जो है नेक्स्ट नंबर के साथ बताना है क्या होगा, ठीक है। तो 7 के टेबल में तो 32 कहीं पे भी नहीं आता है, बट इसका नियरेस्ट नंबर क्या है, तो 7 5 35 हमारे पास होता है, राइट, 7 × 5 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 35, और 35 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो नंबर कौन सा आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू 32, ठीक है। तो लेट्स सी 35 में ये ट्रिक अब इम्प्लीमेंट होती है या नहीं, 35 × अगर हम 5 करें तो आंसर विल बी 175, और 175 में से अगर हम 3 माइनस करें तो यस द आंसर इज़ 172, और जो कि हमारे डी ऑप्शन में अवेलेबल है, हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है इस केस के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, और आपके अभी तक मुझे लगता है 3 में से नियर अबाउट 2 आंसर जो होंगे वो करेक्ट हो गए होंगे। एंड गाइज यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्कोर जो है साथ साथ में नोट करते जाएं ताकि आपको पता चले कि कौन सी तरह की प्रॉब्लम आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको दोबारा से रिवाइज करके इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकें, ओके। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा सेट ऑफ वर्ड जो है वो रिलेटेड है टू द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो गिवन सेट ऑफ वर्ड्स के आपके पास 26, 144 एंड 18, ये गिवन सेट ऑफ वर्ड्स है, अब इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, ओके। तो 26, 144 एंड 18, लेट्स से 26 में से हम 18 को माइनस करें सपोज, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, 26 माइनस 18 इज इक्वल टू 8, और अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 18 के साथ, ठीक है, द आंसर विल बी 144, राइट। हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर में से लास्ट लेटर को जो है लास्ट नंबर को जो है बेसिकली सब्ट्रैक्ट किया, और जो रिजल्टेंट नंबर हमारे पास आया दैट इज़ 8, उसको दोबारा से लास्ट लेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जिससे कि हमारा मिडल नंबर हमें मिल गया, ठीक है। तो लेट्स चेक यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि ये ट्रिक काम कर रहा है, ओके। सो 18 में से अगर हम 13 माइनस करें तो क्या आएगा, आंसर विल बी 18 में से 13 माइनस किया तो 5, 5 × 13 आपके पास हुआ तो 5 × 3 = 15, तो 5 के साथ तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं, तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वेज अगर हम सी ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, तो 21 माइनस अगर आप 12 करते हैं तो आपके पास क्या नंबर आ जाता है, तो दैट इज़ इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर हम करें, ठीक है, 9 × 18 =
8 एंड द आंसर विल बी 108। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस केस के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड अगर अभी तक आपका स्कोर 2 भी है तो यू आर नॉट इन अ बैड पोजिशन, बिकॉज मैंने यहाँ पे ईजी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हर तरह की प्रॉब्लम जो है इन 20 क्वेश्चंस में इंक्लूड की हैं। एंड ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज ऑफ अ डिफ़िकल्ट टाइप। ठीक है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में रॉन्ग भी होता है तो डोंट वरी, दिस इज़ अ न्यू पैटर्न जैसा कि आपके सामने है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन तरह के प्रॉब्लम्स भी आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास रिलेटिव वर्ड चूज करना है आपको गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर है ये, दिस इज 2 का स्क्वायर कहीं ना कहीं, एंड दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ क्यूब। क्यूब किसका? 4 का क्यूब। ठीक है, तो 1, 2, 4, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम 3 का क्यूब बना ले तो आई होप यहाँ पे 3 का क्यूब इज 27, तो यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस, यानी 3 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न क्या था, 1:2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 3:4 का स्क्वायर, मींस नंबर सीक्वेंस में है, जो आपकी लेफ्ट साइड है वहाँ पे रिलेशन स्क्वायर्स का है एंड जो राइट साइड है वहाँ पे कंजेकेटिव नंबर्स के क्यूब्स का रिलेशन है। राइट, सो मूविंग फर्दर टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपको रिलेटेड वर्ड चूज करना है, यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन है लाइट का डार्कनेस के साथ, अगर लाइट है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, डार्कनेस, और अगर नॉलेज है तो उसका ऑपोजिट क्या रिलेशन होगा, वेदर इंटेलिजेंस, ब्राइटनेस, क्रिएटिव या इग्नोरेंस। सो डेफिनेटली इग्नोरेंस इज़ द ऑपोजिट ऑफ नॉलेज, मींस जहाँ पे कुछ भी नॉलेज नहीं होती तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 20, 11, 102 एंड सो ऑन, यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है 20 का 11 के साथ क्या रिलेशन है, तो सेम उसी तरह का रिलेशन जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे चूज़ करना है। तो 20 और 11 आपके पास डायरेक्ट तो कोई रिलेशन है नहीं, सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसमें 20 और 11 का। लेट्स सी 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या नंबर आ जाता है, 10, और 10 में अगर हम प्लस 1 करें तो आपके पास नंबर विल बी 11। राइट, नाउ नेक्स्ट सेम वे अगर हम 102 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 102 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 51, इसमें अगर हम प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52। तो आई होप यू गॉट द आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वन इन विच द सेट ऑफ नंबर्स इज मोर लाइक द सेट ऑफ नंबर्स गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में से आपको चेक करना है कि इस तरह का सेट कहाँ पे मिलेगा। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज 4 क्यूब, दिस इज 6 क्यूब एंड दिस इज 5 का क्यूब, मीन्स यहाँ पे क्यूब्स ऑफ द नंबर्स का सेट आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्च करना है कि आपके पास क्यूब या स्क्वायर या कुछ इस तरह के सेट ऑफ नंबर्स होगा, तो 26, 144 एंड 163। एंड अगर आप सी ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन में क्या आपके पास 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब, तो आपके पास 3 नंबर्स के क्यूब्स का सेट यहाँ पे मिल रहा है, हेंस ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, 2, 3 एंड 4 के क्यूब्स, क्योंकि जो गिवन सेट था उसमें भी क्यूब्स ऑफ नंबर्स थे 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स। ठीक है, रिलेटेड लेटर्स चूज करने हैं ZXACVT एंड द रिलेटेड लेटर्स आपके पास क्या होंगे। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखें ZXANC, अगर आप A to Z यहाँ पे लिखें BCD, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ऑपोजिट लेटर्स लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम इस तरह से सीक्वेंस ऑफ लेटर्स लिखते हैं तो हमारे पास ऑपोजिट लेटर्स जो होते हैं वो क्या हो रहते हैं, हाफ लेटर्स ऑपोजिट में होते हैं, मींस A से लेके आप N तक लिखेंगे, देन N से लेकर के आप जो है ऊपर की तरफ Z, Y, X एंड W,
इस तरह से आपका सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जेड के ऑपोजिट लेटर कौन सा है, जेड के ऑपोजिट लेटर इज ए, ठीक है। सी के ऑपोजिट लेटर कौन सा है, तो सी के ऑपोजिट लेटर इज एक्स, राइट। तो सेम वेज यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वी के ऑपोजिट लेटर और टी का जो ऑपोजिट लेटर्स होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज वी के ऑपोजिट कौन सा लेटर आ जाएगा गाइस, डब्ल्यू, वी, डी के बाद ई आता है, तो ई लेटर जो होगा वो वी के ऑपोजिट हो जाएगा। तो ई के साथ आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसके फ्रंट में ई है, दूसरा ऑप्शन भी है जिसके सेकेंड लेटर के साथ ई है, यानी टी के ऑपोजिट तो ई हो नहीं सकता, तो हैंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। सो होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग फर्दर, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। यहाँ पे आपके पास वर्ड्स गिवन है स्मोक इज टू पॉल्यूशन, स्मोक का रिलेशन, स्मोक जब होगी तो वहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। तो अगर वॉर होगी तो वॉर के साथ क्या रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, क्या विक्ट्री होगी, क्या पीस होगा, क्या ट्रीटी होगा, क्या डिस्ट्रक्शन होगा, तो रिजल्ट क्या होगा वॉर का, रिजल्ट वॉर का एक्चुअल में जो इफेक्ट है बेसिकली वॉर का वो रहेगा डिस्ट्रक्शन, चारों तरफ जो होगी डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। आप वॉर का इफेक्ट विक्ट्री या पीस या ट्रीटी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे स्मोक की वजह से आपको क्या इफेक्ट मिल रहा है, विजिबल इफेक्ट, तो दैट इज पॉल्यूशन दिख रहा है। तो सेम वेज वॉर का विजिबल इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, राइट। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 11, इफ आईज आर टू टीयर्स, आईज अगर टीयर्स निकालते हैं तो सिमिलर रिलेशन आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हार्ट के अंदर आर्टरीज होती हैं, सी के अंदर वाटर होता है, वॉल्केनो लावा निकालता है, एंड हंगर ब्रेड से मिटती है। तो हैंस जो रिलेशन करेक्ट रिलेशन है दैट इज वॉल्केनो लावा, मींस आइस का बाय प्रोडक्ट इज टीयर्स, सिमिलरली वॉल्केनो का बाय प्रोडक्ट इज लावा, हैंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ मूविंग फर्दर, इफ ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है, अगर ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने में हेल्प करेगी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में चीज़ों का जलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में चलना बंद हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो तो वी नो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक एक्सटिंग्विशर है जो जलने की प्रक्रिया को रोकता है, तो हैंस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट, सी का रिलेशन अगर नंबर 16 है तो एफ का रिलेशन कौन से नंबर से होगा, सो फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस। तो अगर हम देखें सी का पोजिशनल वैल्यू क्या होता है नंबर लेटर सीरीज में, तो दैट इज 3, ठीक है। और अगर हम 3, 4, ये 16 नंबर है, 16 नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होता है, तो यस बिल्कुल 4 का स्क्वायर है 16, तो 3 का हम 4 बना सकते हैं, 3+1 अगर हम 4 करें उसका स्क्वायर ले तो हमें 16 नंबर मिल जाएगा। सेम वेज अगर हम F की पोजिशनल वैल्यू देखें, F फिक्स यानी 6 होगा, 6 में अगर हम 1 ऐड करें तो दैट इज 7 हो जाएगा, एंड 7 का स्क्वायर क्या अवेलेबल है हमारे पास, तो यस बिल्कुल 49 अवेलेबल है, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस लेक्चर, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू हिट द लाइक बटन, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा गाइज। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। सो डी एल ओ सी ई सी आई टी यू एच, आप यहाँ पे एकदम से कोशिश करोगी कि आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ में इनकी पोजिशनल वैल्यूज़ या इनकी लोकेशंस की पोजिशनल वैल्यूज़ में डिफरेंस एडिशंस कुछ इस तरह का एकदम से स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। बट गाइज यहाँ पे कुछ सिली जो है रिलेशंस भी होते हैं, लाइक सपोज यहाँ पे आप देखें अगर आप इन लेटर्स को रिवर्स से पढ़ें, ठीक है, सी ओ एल डी, तो दिस इज कोल्ड, राइट। सेम वेज इसका रिलेशन आई सी ई, आइस, ठीक है, आइस कैसी होती है, तो कोल्ड होती है। सेम वेज एच ओ टी, इसको भी अगर आप रिवर्स में पढ़ें तो द वर्ड इज हॉट, और हॉट क्या होता है, टी, टी ई ए, ठीक है, टी। तो आपके पास रिवर्स में ऐसा कौन सा लेटर है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, टी ई ए, हैंस ऑप्शन नंबर सी इज
करेक्ट इन दिस केस. तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था. अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट होता तो आप ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में लगा करके पता कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड. यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शंस में 100, 120, 128 एंड 122. एंड द रिजल्टेंट रिलेशन जो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी 7 का रिलेशन 50 के साथ. ठीक है, तो 7 का रिलेशन 50 के साथ तो हमें पता है कि नहीं होता है डायरेक्टली. 7 का स्क्वेयर अगर हम करें तो हमें नंबर कितना मिल जाएगा, 49. ठीक है, हमें पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 जो है 50 का नियरेस्ट होता है. प्लस 1 करेंगे तो आपको इवन नंबर मिल जाएगा. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं. तो 11 का अगर हम स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर हमें पता है दैट इज़ 121 होता है, राइट. और इसमें अगर हम प्लस 1 करें तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 122. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. होप यू गाइज आर इंजॉइंग इट, राइट. एंड साथ साथ में अपना स्कोर जो है काउंट करना मत भूलेगा, आप कितना स्कोर कर पाए हैं इस मॉक टेस्ट में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ़ कैरेट इज़ अ रूट. आपको पता है कैरेट जो है वो ज़मीन के नीचे उगती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, कैरेट को हम रूट बोलते हैं. तो एप्पल इज़ वॉट, एप्पल इज़ डेफिनेटली अ फ्रूट. ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ फिजिशियन का रिलेशन है ट्रीटमेंट के साथ, फिजिशियन जो है वो हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, तो वॉट डज जज गिव अस. तो जज प्रोवाइड्स अस विद जजमेंट. ठीक है, जज प्रोवाइड्स अस विद जजमेंट. आप यहाँ पनिशमेंट नहीं लिख सकते क्योंकि एक साइड को तो पनिशमेंट मिलती है एंड जो साइड जो है वो पनिशमेंट के लिए नहीं एलिजिबल होती तो उनको जो है पनिशमेंट नहीं मिलती है. तो हैंस जज क्या सुनाता है, पनिशमेंट सुनाता है. ठीक है, जज क्या देता है आपको, जजमेंट सुनाता है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन सेट है आपके पास, आपको चूज करना है गिवन सेट का रिलेशन जो है इन ऑप्शंस में से कौन से रिलेशन में दिख रहा है. ठीक है, 21, 30, 48. तो अगर हम देखें तो 21 3 का मल्टीपल है, 30 भी 3 का मल्टीपल है, 48 भी 3 का मल्टीपल है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं. तो डेफिनेटली बी ऑप्शन अगर आप देखें तो 3 3 9, 3 6 18 एंड 36 भी आपका जो है 36 होता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, पॉइंट वैल्यूज दी गई हैं कुछ. तो पॉइंट वैल्यू क्या है, 0.16. नेक्स्ट में क्या कर दिया गया, इस पॉइंट को 2 पॉइंट्स पीछे वो शिफ्ट किया गया, 2 डेसिमल प्लेसेस बैकवर्ड शिफ्ट किया गया है, नंबर रिमेनिंग द सेम 16. ठीक है, तो अगर हम 1.02 नंबर के पीछे 2 डेसिमल प्लेसेस ले जाएं, ठीक है, एक नंबर और दो नंबर 0.0. ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.0102. दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, पॉइंट्स देख के या वैल्यूज देख के घबराना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी होते हैं. जस्ट यू रिमेंबर टू हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड विद दिस हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा. एंड इस टॉपिक में मैंने कवर करने की हर तरह के क्वेश्चन की कोशिश की है, फ्रॉम ईजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट. तो आपके पास हर तरह का क्वेश्चन सेट अवेलेबल है, आप इनको एक्सेस कीजिए. आपने कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट किए हैं, आंसर जो है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका आज का स्कोर क्या रहा यहाँ पे. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 का 3 का स्क्वायर. स्क्वायर्स और क्यूब गाइस आपकी टिप्स पे होनी चाहिए. ठीक है, 27 क्या है, 3 का क्यूब. 64 अगर हम देखें तो ये क्या है, 4 का क्यूब. तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ऐसा होना चाहिए जो स्क्वायर है. तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, 3 का क्यूब था, तो यहाँ पे 4 का क्यूब है. तो 4 का स्क्वायर यानी 4 4 16. ऑप्शन नंबर डी इज सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक. एंड अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके बताइएगा. सो विद दिस नो, थैंक यू, बाय बाय एंड